हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इंट्रो मत देखो, स्किप करो और आगे चलते हैं। सो गाइस, आज हम करेंगे ऐसा फोटो एडिटिंग। सो इसके लिए हमारा ये रहा बैकग्राउंड, इसको हम करेंगे शेयर ऑटोटेक्स में। एंड गाइस, यहाँ पे हम अपने मॉडल को करेंगे ऐड। ये रहा हमारा मॉडल, इसको करेंगे उल्टा एंड इसको कर लेंगे एडजस्ट एंड यहाँ से इसको कर लेंगे डन। एंड गाइस थोड़ा, एंड गाइस इसमें करेंगे ऐड फोटो। एंड गाइस अपने पीएनजी इस झाड़ू को, झाड़ू किधर गया, ये रहा, इसको करेंगे ऐड एंड इसको कर लेंगे रोटेट। एंड गाइस इसको हम अच्छे तरीके से कर लेंगे एडजस्ट। एंड इसमें एक लाइट का पीएनजी लगाएंगे जो कि झाड़ू का होगा, यहाँ से टिक कर देंगे। इसको करेंगे हम ब्लेंडिंग मोड में स्क्रीन नहीं, लाइटनिंग कर देंगे। एंड इसको कर लेंगे हम झाड़ू के नीचे। एंड गाइस इसका डुप्लिकेट करके एक को बंद एंड एक को हम कर लेंगे ट्रांसफ़र यहाँ से। एंड गाइस ये झाड़ू के नीचे एंड यहाँ से डन। एंड इसको कर लेंगे विजिबल एंड यहाँ से इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कर लेंगे उसको भी ट्रांसफ़र, ये हो गया। एंड इसको कर लेंगे झाड़ू के ऊपर। एंड गाइस ये अच्छा खासा फोटो तैयार हो चुका है। एंड गाइस इसमें हम कुछ और पीएनजी एंड बैकग्राउंड को ऐड करेंगे। सो ये रहा हमारा लॉकेट, इसको करेंगे हम ऐड। ये क्या ऐड, एंड इसको करेंगे डन। एंड गाइस देख सकते हो एक साइड में हमारा पीएनजी नहीं लगा है, तो इसको कर लेंगे हम यहाँ से डुप्लिकेट। एंड गाइस यहाँ से कर लेंगे इसको ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र करने के बाद इसको कर लेंगे उल्टा। एंड गाइस इसको गर्दन के अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। एंड यहाँ से डन करने के बाद बाकी चीज़ों को हम कर लेंगे इरेज। ये इरेज पॉइंट लेके इरेज कर दिए हमने, ये हो गया। एंड गाइस इसको कर लेंगे जो थोड़ा सा यहाँ भी इरेज करना होगा। ये हो गया, यहाँ से भी थोड़ा सा हो गया, हो गया, हो गया। एंड गाइस और क्या रहा, इसमें मर्ज कर दिए इसको। एंड गाइस नहीं, एक मिनट, इसमें करेंगे फिर हम एक और बैकग्राउंड पीएनजी को ऐड। एंड ये रहा हमारा पंख, कौवा का शायद। एंड गाइस और करेंगे ऐड, सिर्फ ऐड, सिर्फ ऐड, सिर्फ ऐड, तभी जाके हमारा फोटो होगा तैयार। ये आ गया हमारा कौवा का। और ये लाइट का पीएनजी को हम कर लेंगे ऐड। एंड यहाँ से इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट करके यहाँ से करेंगे डन। एंड गाइस यहाँ पे जाने के बाद उसका ब्लेंडिंग ऑप्शन कर लेंगे ओवरले। एंड गाइस देख सकते हैं लाइट बैकग्राउंड में, मतलब थोड़ा अच्छा कलरिंग आ गया है। एंड गाइस इसमें हम जाएंगे एक और पीएनजी को करेंगे ऐड। ये रहा किधर गया, ये थोड़ा सा जैसे कि आसमान से थोड़ा बिजली कड़क रहा है या कुछ और थंडर टाइप का कुछ लग रहा है, इसको करेंगे अच्छे से इरेज एंड कर लेंगे एडजस्ट। ये हो गया डन। एंड गाइस इसको कर लेंगे हम पंख के नीचे, पंख के नीचे ही, ज़्यादा नीचे नहीं। एंड गाइस अब हम करेंगे एक पीएनजी को ओवरले। एंड गाइस हम यहाँ पे करेंगे शैडो की तैयारी, तो हम ग्रीन कलर को कर लेते हैं चूज़। एंड गाइस यहाँ से ब्रश का साइज ऑपेसिटी कम करके यहाँ से आप लॉकेट के, लॉकेट नहीं सॉरी,
जहाँ पे ग्रीन ग्रीन आपका मतलब ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। एंड इसी लाइट को हम लॉकेट पे भी यूज़ करेंगे, तो उसके लिए अलग लेयर बना लेते हैं एंड इसको कर लेते हैं लॉकेट के नीचे। एंड इसका साइज़ कम, ऑपेसिटी ज़्यादा एंड ब्लैक। इसको यहाँ से ऐसे उगाएंगे ये हो गया। एंड गाइस एक और लेंगे एंड इसको करेंगे हम ओवरले। एंड गाइस यहाँ से करेंगे ग्रीन को सेलेक्ट एंड यहाँ से हम इसको ग्लोइंग करना स्टार्ट करेंगे जिससे कि लॉकेट ग्लो करे, दिखने में अच्छा लगे। नहीं, इसको हम कर लेते हैं लॉकेट के ऊपर, अब लग रहा है ग्लो हो रहा है। एंड गाइस इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा एंड ये हो गया हमारा फ़ोटो तैयार। एंड इसको कर लेंगे जाके हम सेव टू डिवाइस। एंड गाइस सेव हो जाएगा, तब सेव हो गया यहाँ से। एंड गाइस इस फोटो को हम कर लेंगे लाइटरूम ऐप में सेंड, शेयर भेज देंगे, चाहे जो कुछ भी हो। एंड गाइस आपको मिल जाएगा एक DNG फाइल, ये वाला आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से डन एंड यहाँ से पेस्ट, हो गया। देख सकते गाइस एक क्लिक में हमारी फ़ोटो तैयार हो चुकी है। इसमें एक कमी रह गई है थोड़ा स्मूथनेस की, जो आप वीडियो में मैंने नहीं दिखाया। एंड गाइस ये वाला जो ऑप्शन है लास्ट में ऐसा रखना चाहिए। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो कर देना लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर। तो हम चलते हैं, बाय।